हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो? सब बढ़िया? इसकी वीडियो में बात करने वाले हैं हम लोग यहाँ का जो बस फेयर कैसे होता है, ट्रांसपोर्टेशन में क्या बेस्ट रहता है और उस पर बात करेंगे आज। ठीक आज हम लोग बात करने वाले हैं, आज हम बात करेंगे यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन के बारे में। ट्रांसपोर्टेशन का जैसा कि नॉर्मली कितना होता है। तो दोस्तों, मैं जाऊँगा यहाँ से कम 18 स्टेशन दूरी पे, और मुझे चार्ज होगा यहाँ से कम 3 यूरो। तो 18 स्टेशन का 3 यूरो चार्ज होगा और 39 मिनट्स मेरा जर्नी रहेगा। तो यहाँ पर जो चार्जेस होता है वो पहले का सिस्टम थोड़ा अलग था, और आजकल का जो सिस्टम चल रहा है हम उस पर बात कर रहे हैं। और ये वीडियो बनाने का खास कारण ये है मेरा आप लोगों के साथ में, कि इसमें भी बहुत सारा अभी दिक्कत हो रही है कि टिकट लेने में। और जैसे कि पहले टिकट जो बस वाला ही देता था, जिस बस में हम लोग जाते हैं एंट्री करते समय वो बस में ही टिकट मिल जाता हमारे। था। जैसे कि नॉर्मली मैं बात कर रहा हूँ, मैं सामने है दो बस स्टैंड और आपको दिखाता हूँ बस स्टैंड के अंदर, मतलब बस स्टैंड है वहाँ पे। तो उसके बाद वहाँ से दिखाता हूँ आप लोग प्रोसेस कैसे होती है, मतलब कैसे कैसे यहाँ पर एक बस में आना जाना सफ़र करते हैं। तो अब चलते हैं सामने बस स्टैंड पे, और बस स्टैंड आपको मैं दूर से दिखा रहा हूँ क्योंकि वहाँ पर एक लेडी बैठी हुई है, तो उसकी वीडियो नहीं बना सकते, किसी की भी वीडियो नहीं बना सकते। यहाँ पे उनका फेस नहीं आना चाहिए, इसलिए मैं आपको इस तरीके से दिखा रहा हूँ कि नॉर्मली बस स्टैंड ऐसे होते हैं। तो अब चलते हैं हम सीधा चार्ट की ओर, मतलब ये तीनों तरफ आप देख रहे हो दो तीन चार्ट लगे हैं अलग अलग तरीके से। तो ये है 206 का चार्ट, और इसमें आप देख रहे हैं जैसे कि ऊपर लिखा हुआ है 5:18:38। तो ये 5 है काउंटिंग में घड़ी का टाइमिंग, 5 बजे के आसपास कितनी गाड़ी है उधर पे। तो पर आवर में 3 गाड़ियां हैं, 18 पे है, 38 पे है और एक 58 पे गाड़ी है। तो जैसे कि ये अभी आपको दिखाएगा डिजिटल में 785 लांगन फील्ड एस 6 मिनट में आ रही है, और कौन सी गाड़ी कितने कितने मिनट में आ रही है ये आपको पहले ही बता देगा। तो वैसे तो वो बता देता है एक्चुअल वहाँ पे, और अभी तो ये नए नए सिस्टम भी लग गए हैं यहाँ पे, पहले ये नहीं थे। तो बस में बैठने से पहले हम क्या करेंगे, वहाँ पर एक चार्ट लगा होगा जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ अभी। तो इस चार्ट को देखना है और इस चार्ट को समझना है। उसके बाजू में जैसे कि ये ब्लैक मार्क में लिखे हैं वो है आवर्स, और उसके बाजू में है वो मिनट्स। तो 15 मिनट में या 38 मिनट में या 15 मिनट में आपकी गाड़ी आ रही है, उसके हिसाब से आप पता कर सकते हो और प्रिपेयर हो सकते हैं कि इतने इतने टाइम में आ रही है। और ये चार्ट का अगर चाहिए तो आप एक फ़ोटो लेके रख सकते हैं इतने इतने टाइम में, तो उसके हिसाब से आप चल सकते हो स्टेशन पे, 5 मिनट पहले या जल्दी जाने की ज़रूरत नहीं है। शूट हुआ है ना, ये भी 291 है यार। मैं बैठा हूँ इधर पीछे सबसे लास्ट सीट में, और मुझे बस रुकाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ये बटन है यहाँ पे लगा, इसको बटन को प्रेस करना है। अगर मुझे उतरना है तो मैं इसमें क्या करूँगा, वो बटन को प्रेस करूँगा, उसका ऑटोमेटिक मालूम पड़ जाएगा वहाँ पे कि मैं उतरना चाहता हूँ, मतलब कोई पीछे से उतरना चाहता है उसके पास लाइट चले जाती है। तो और सुनाओ फिर, और कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया। आया था थोड़ा बाहर घूमने के लिए आप लोगों को, थोड़ा दिखाने के लिए कि बाहर का क्या सिचुएशन है अभी। तो चल रहा है यहाँ पे
फिर बटन ही आ गया। बटन लगा रहे थे, बटन दबाऊंगा तो आगे जाके उसको मालूम पड़ जाएगा। और बार बार ये भी लोग बता दे रहे थे मैसेज में। और सामने टीवी लगा है, इसमें भी डिस्प्ले होते रहता है कि हम कहाँ पर हैं अभी, कैसे हैं और कितना स्टेशन बाकी है हम लोग। बस कंडक्टर के पास टीवी लगी है, 206 बस नंबर। कुछ ना कुछ लगा रहता हूँ, आप लोग को जुगाड़ करते रहते हैं आप लोगों के लिए। और आप लोग क्या एक लाइक भी नहीं देते हैं, बस के लाइक तो बनता है ना, एक लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, दिखाते हैं और भी दिखा लो आप लोगों को। जहाँ जहाँ बोलूँगा वो लोग आपको तो 100% भाई। तो यहाँ का मेन क्या है मालूम है, बस में आजकल अभी भी ये लोग ने क्या है, टिकट सब ऑनलाइन है, बस का टिकट का ऑनलाइन पे ही ले टिकट, कंडक्टर से या किसी से भी कोई हाथ वाथ मिलाने का कोई मतलब ही नहीं, मतलब टिकट विकेट लेने का। और ऐसे ही है, मतलब अभी भी कुछ नहीं हुआ सिस्टम अभी तक के, सब ऑनलाइन पे ही टिकट ले लें बस। ऐसे एक बात है, अगर लोग बोलते हैं जर्मनी में आके भी हिंदी बात करना, यहाँ पे आके जर्मनी बात करना चाहिए, तो मैं कहूँगा एक बात, जर्मनी आके भी
हिंदी में बात बोले तो पहला हिंदी ही होता है, उसके बाद ही होती है जर्मनी, क्योंकि हिंदी में ही हम लोग बोलेंगे तो तुरंत आके थोड़ी ना तो कोई जर्मनी सीखता है। वो लोग के लिए भी थोड़ा हेल्प के लिए चाहिए ना आदमी, कि थोड़ा सा उनको बता सके, समझा सके। तो इसीलिए मैं आप लोगों के लिए जो भी वीडियोस बनाता हूँ हिंदी में बनाता हूँ। मुझे उसमें भी एक डाउट था कि लोग सोचते होंगे कि ये जर्मनी होके भी फिर भी हिंदी में बात करता है, मतलब एक पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। इसीलिए मैं चाहता हूँ जो बंदे नए नए लोग आते हैं यहाँ पे पहली पहली बार, उन लोगों को दिक्कत ना हो, उन लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जैसे कि हम लोग यहाँ पर स्टार्टिंग में आके, मुझे पता है कि मैंने कितना प्रॉब्लम फेस किया, कितने लोगों के साथ में कैसे मिलना, कैसे लोगों को साथ में, मतलब बहुत सारे रीज़न है इसके ऊपर। तो मैं चाहूँगा कि जो भी मेरे दोस्त लोग, मेरे भाई लोग, अभी कोई नए लोग आएंगे इंडिया से या कोई भी जगह से, तो वो लोग ये वीडियो देख के वो लोगों को जरा सा तो भी ऐसा लगना चाहिए कि हाँ हम लोग को कोई हेल्प करने वाला है यहाँ पे। आगे बात करते हैं, अभी टाइम हो गया। तो गाइस आ चुके हैं हम लोग, अभी आ गया हूँ मैं इधर पे जहाँ पर आना था, मैंने मेरे डेस्टिनेशन पे आ चुका हूँ। और इसकी जो आधा ब्लॉग है, आधा वीडियो है, मैं नेक्स्ट किसी ब्लॉग में दिखाने वाला हूँ आप लोगों को, वो है रिलेटिव मनी कैसे ट्रांसफ़र करते हैं इंडिया जर्मनी से इंडिया कैसे पैसे ट्रांसफ़र करने हैं, वो वीडियो मैं किसी दूसरे दिन दिखाऊंगा आप लोगों को। आज की वीडियो में कुछ दूसरा फंडा था, वो है ट्रांसपोर्टेशन, इसका बस का फेयर कितना होता है उस पर बात कर रहे थे हम लोग, पर फिर भी थोड़ा चेंजेस है, बात करते हैं।